आज फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ अपने यूट्यूब चैनल एसआर सचिन एसआर में। तो आपने अभी तक का मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जो बगल में बेल आइकन दिखाई पड़ रहा है उसको भी प्रेस कर लीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एंड तक देखते हैं कि आज इस वीडियो में क्या खास होने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो आपको दिखाई पड़ रही है ये है एक कार वॉश मशीन, जिसमें हम लोग प्रेशर बनाते हैं किसी भी पानी का। अगर नॉर्मल वाटर आ रहा है पाइप में और उसको हम लोग प्रेशर बनाते हैं इस मशीन के द्वारा। तो अभी यहाँ पर बॉश कंपनी की आप देख सकते हैं ये प्रेशर मशीन है। और अभी हम लोग इसके अंदर देखने वाले हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ होती है जो कि इतना ज़्यादा प्रेशर बना देती है पानी का। तो अभी तक अगर आपको नहीं पता है कि इसके अंदर क्या है, तो आज हम इसका देखने वाले हैं इसके अंदर कि क्या चीज़ होती है जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रेशर बना देती है। और अगर आप किसी भी तरीके कोई जुगाड़ से बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं आराम से। ये देख सकते हैं बॉश कंपनी की ये मशीन है। आज हम लोग इसको पूरा ओपन करेंगे, अंदर की चीज़ देखेंगे कि इसमें क्या चीज़ें होती हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं और एंड तक देखिएगा। आपने अभी तक का देखा कि केवल मैंने कवर खोला और उसके बाद जो है यहाँ पर जो देखने को चीज़ मिलती है वो काफ़ी अनोखी चीज़ देखने को मिलती है। इसको हम लोग कंप्रेसर मोटर बोलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें कितनी बड़ी कंप्रेसर मोटर लगी हुई है, ये बॉश कंपनी की मोटर है। अभी हम लोग इसको भी खोलते हैं और देखते हैं कि इसमें भी क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो अभी सबसे पहले ये जो ब्लैक कलर का कवर दिखाई दे रहा है इसको पहले हम लोग हटाते हैं और देखते हैं इसमें कौन सी चीज़ ऐसी है जो अच्छे से वर्क करती है, जिससे कि जो नॉर्मल पानी को प्रेशर पानी बना देती है। अब मैंने मोटर को पूरा कवर से बाहर कर लिया है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये मोटर काफ़ी बड़ी है और काफ़ी अट्रैक्टिव लुक भी दे रही है। यहाँ पर अभी हम पूरी मोटर को खोल देंगे। यहाँ से पीछे का इसका जो कवर है इसको हटाते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ें हैं। तो ये देख सकते हैं एक बहुत ही पावरफुल बैंडिंग है इसके अंदर। आप यहां से देख सकते हैं ये एक मोटर है, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मोटर है। यहां से आप इसकी बैंडिंग से अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं इसकी बैंडिंग से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी पावरफुल मोटर है। इस पावरफुल होने की वजह ही से ये काफ़ी अच्छा काम करती है। यहां पर अभी हम लोग इस बैंडिंग को भी देखते हैं और इसके अंदर भी अभी हम लोग देखेंगे कि क्या चीज़ होती है। तो पूरी वीडियो पे बने रहें और इसके अंदर जाने की इसके अंदर क्या चीज़ें होती हैं ये भी आप देख सकते हैं। तो चलिए इसको भी सबसे पहले ओपन कर लेते हैं। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसमें से पानी निकलने लगा है और मैंने केवल चार बोल्ट खोले हैं, 1, 2, 3 और 4। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दोनों जो बोल्ट हैं इसको मैं ओपन कर रहा हूँ और इसके अंदर देखते हैं कि ऐसा क्या होता है, कौन सा मैकेनिज़म लगा हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा ऑयल टाइप का भी गिर रहा है। तो ये देख सकते हैं पानी है, ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका है। ये ऑयल है कि पानी है इसका कोई अंदाज़ा ही नहीं लग रहा। चलिए देखते हैं और इसको ओपन करके देखते हैं कि अब इसके अंदर क्या हो सकता है। फ्रेंड्स इसके अंदर कुछ निकल करके आया कुछ इस प्रकार की चीज़ जो कि यहाँ पर है और साइड में रखी है। इसको मैंने खड़ा करके रख दिया क्योंकि इसके अंदर से निकल रहा था ऑयल जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो चीज़ है ये एक बैरिंग के आकार की है और ये जो चीज़ है ये एक पिस्टन के आकार की है। ये चीज़ जब बैरिंग को ऊपर नीचे लाती है, ये देख सकते हैं आप ये तिरछी बैरिंग लगी हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तिरछी बैरिंग लगी हुई है। जब ये ऊपर नीचे आती है तो अपने आप ही ये जो इसके जो पिस्टन है ये ऊपर नीचे करने लगते हैं। ये देख सकते हैं आप इसमें जब टकराते हैं ये देख सकते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पर फिर प्रेशर बन जाता है। तो ये एक बहुत ही अनोखी चीज़ इन्होंने बनाई है जो बॉश कंपनी वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर भी कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कि वर्क करती हो। तो यहाँ से प्रेशर बन जाता है और पानी को 3 भागों में अलग अलग कर देता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1, 2, 3 भागों में अलग अलग कर देता है, जिससे ये प्रेशर कंप्लीट हो जाता है और जो दूसरी साइड है यहाँ से आपका प्रेशर वाटर निकलता है। तो इस वीडियो को इतना ही देखिए और अभी हम लोग इसकी असेंबली वीडियो भी देखने वाले हैं। तो असेंबली कैसे करते हैं ये भी अगर आपने इस वीडियो को इतना देखा है तो आगे भी देखिए फ्रेंड्स। तो यहाँ पर अभी हम दिखाएंगे आपको कि असेंबली कैसे करते हैं। अब हम लोग फिर से इसको असेंबल कर रहे हैं। तो इसके अंदर पूरा ऑयल भरा होना चाहिए, नहीं तो आपकी मशीन ख़राब हो जाएगी। तो इसके अंदर हम लोग ऑयल भरते हैं। ऑयल है आप किसी भी गाड़ी का भी निकाल सकते हैं।
तो ये एकदम सही ऑयल है और अभी हम लोग इसमें डाल रहे हैं, आप देख सकते हैं तो कम से कम ये आधा भरा होना चाहिए, नहीं तो आपकी मशीन ख़राब हो जाएगी। पूरा आधा भर दिया है मैंने। उसके बाद अभी हम लोग इसको असेंबल करेंगे। इसको असेंबल करना बहुत ही आसान होता है, इसके ऊपर केवल रख करके फिक्स कर देना है। आप देख सकते हैं इसको मैंने रख दिया इसके ऊपर और इसको खूब प्रेशर की सहायता से इसको टाइट करना है। इसको मतलब काफ़ी प्रेशर दे करके इसको बैठाना पड़ेगा अच्छे से, नहीं तो आप देख सकते हैं ये बैठा नहीं है अभी। इधर आप देख सकते हैं इसको अभी हम लोग बैठा लेते हैं। तो ये है इसकी मोटर, जो कि आपको मैंने बताया कि कैसे ये वर्क करती है। ये एक मोटर है और जो ये है ये बैंडिंग वाली मोटर है, ये एक कंप्रेसर वाली मोटर है और ये है एक बैंडिंग वाली मोटर जो नीचे लगी हुई है। ये बैंडिंग वाली मोटर है, ये कंप्रेसर वाली मोटर है। तो जो पानी को नॉर्मल पानी को प्रेशर वाला पानी बनाती है वो ये काम करती है, ना कि ये काम करती है। ये जो है केवल आपकी जो मोटर है उसको नचाने का काम करती है। बिजली को लेकर के ये एक मोटर है जो कि घूमती है, तो ये भी फिर उसके साथ घूमती है। तो ये जो मैंने अभी आपको नीचे दिखाया, इसके नीचे जो है, इसके नीचे वो क्या काम करता है, जब गोल गोल घूमता है तो एक तरफ उठा हुआ है और एक तरफ हल्का सा समतल है। तो जो उठा वाला जब पार्ट आता है तो जिस तरफ उठा वाला पार्ट आता है वो चीज़ ऊपर हो जाती है और जिस तरफ नीचे मतलब समतल वाला पार्ट है तो वहाँ पर नीचे हो जाता है। ये इसमें स्प्रिंग लगी हुई है तो ये ऊपर नीचे का काम करा करता है। तो फ्रेंड्स आगे देखते रहिए मेरी वीडियो। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने इसको पूरी तरीके से रिपेयरिंग फिर से वापस बांध दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पीछे से पानी वाला वाटर आ रहा है, उसके बाद आगे से आप देख सकते हैं कि कितना ढेर सारा प्रेशर इसमें कम्प्लीटली बन रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा ये जो प्रेशर है ये काफ़ी अच्छा बन रहा है। यहाँ पर जो बॉस कंपनी की मशीन है ये काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाई अपना, जो कि अदर कंपनी के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस मिला है यहाँ पर हमको। और यहाँ पर जो कुछ भी आपने देखा बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो थी। आप मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब टू लाइक करिए और बगल में बेल आइकन दिखाई पड़ रहा है उसको भी प्रेस कर लीजिए।